time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to follow my Instagram. That's Geekly Amanda. G-E-E-K-L-Y Amanda. It's the same on Twitter. Make sure to follow me there too. And it's time to get this version video started. It is. It's time to finish up our Vishnu Puran, episode 5, part 2. Oh, I remember. That one guy was like quitting from, wasn't he? He was like, he went and confronted that king and was like, listen, king, get your stuff together. Everybody has to do this with this king. Get your stuff together. You got to be here for the your subjects. He was walking out and that guy, then the king was like, stop, wait. And that's where we stopped. Let's finish it. Let's finish it. Y'all ready to do this with me? Let's just get started. Let's go. See, he was walking out. And he's like, wait, no. Rajguru, main jeevan mein bahut kuch kho chuka hoon. Who's that? Yadi aap jaisa mahapurush aur margdarshak bhi maine kho diya, to main bilkul kangal ho jaunga. आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है. मैं आपका आभारी हूं. Look at him. Little dude. They tried to burn him up with that ring of fire. Oh, look at his lip. He's thirsty. I mean, he's got this soot on his face. Vishnu, go visit him. Everybody's rooting for that, ain't they? Kya hua, Swami? Hey, Kamalnayan. Jab trilok mein ujala phailta hai, jab dharti par basant jhoomta hai, जब कमल खिलते हैं, जब पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काए हैं. ये सारे दृश्य आपकी मुस्कान की ही छवि हैं. विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए की कि वो आपके अधरों की शोभा बढ़ाए. पर अभी अभी मैंने आपके अधरों पर जो मुस्कान देखी, उसमें एक विचित्र ज्योति, एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया मुझे. जैसे आपके अधरों से मुस्कान नहीं, किरण फूट रही हो. कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है. देवी, अवश्य ही सृष्टि के किसी भाग में भक्ति के प्रकाश का उदय हो रहा है. मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है. हो ना हो, ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमत्कार है. उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सर्वेश्वर. उसके हृदय में झांक कर देखे तो केवल आपकी छवि ही दिखाई पड़ेगी. This girl make me tear up. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Look how devoted he is. मैं यही हूँ तुम्हारे निकट. क्या बात है?
मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे मन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर विराजमान हैं। लकी, अहो भाग्य, तब तो चमत्कार हो गया पुत्र। तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु का मन जीत लिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम धन्य हो पुत्र। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी थे। पर वे मेरे सामने क्यों नहीं आए? उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? जिसके मन में भगवान विष्णु रम गए हों, उसे और क्या चाहिए? उसका तो जन्म सफल हो गया। तो मेरी बात मानो, मंत्र के जाप को विराम दो, अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौटने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, ना मैं मंत्र का जाप छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना घर जाऊंगा। क्यों? अब और क्या पाने को शेष रह गया है? अभी तो भगवान विष्णु केवल मेरे मन में आए हैं। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही हैं पुत्र, और जैसे जैसे तुम्हारी मांगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। So is my tension. You're giving him anxiety. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? मुझ पर अन्याय होता देखकर मेरे पिताश्री क्यों चुप रहे? संसार में ऐसा अन्याय क्यों होता है? ये भगवान को मेरे सामने आना ही होगा, नहीं तो मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा। सुनो पुत्र, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना कुछ मिल गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका मन जीतने वाले तुम पहले सबसे छोटी आयु के बालक हो। अब और हठ ना करो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन में रम गए हैं तो समझो तुमको मिल ही गए। नहीं गुरुदेव, मैं उनको अपने सामने ला कर ही रहूंगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा पुत्र, वो तुमसे नहीं होगा। आप बताइए तो सही, मैं अपने भगवान को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु उससे तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है पुत्र। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो बस भगवान विष्णु को देखना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। नारायण नारायण, क्या नारायण, न जाने कैसे हठी बालक से पाला पड़ा है, अब इसके बाल हट का मैं क्या करूँ? मुझे बताइए ना मुझे क्या करना है। नहीं पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन कार्य है। मैं कर लूंगा, आप बताइए तो सही। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। कैसे? Stop breathing. एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से अपनी श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करो जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख साक्षात ना आ खड़े हो। Look at her. She's worried. She doesn't know what to do. Oh, not the body. Avati, what did I say? Devraj. Devraj. देवराज, क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचा हुआ है देवराज। धरती पर समय की गति रुकी जा रही है प्रभु। बालक ध्रुव यदि यूं ही श्वास रोके रहा तो प्रलय आ जाएगी देवराज। कुछ कीजिए देवराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, इसका कुप्रभाव रोकना मेरे वश की बात नहीं है देवगण। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, अब वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। Creator.
And he's like, what? I got like 6 ears over here. I can hear you. Oliver Brahm. हे ब्रह्मदेव कोई उपाय कीजिए नहीं तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाएगा। उसने श्वास रोककर संसार की सारी गतिविधि ही रोक दी। ये स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज, मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार पद्मनाभ लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव मेरा नाम तो नहीं जप रहा है। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। This is a good one. प्रणाम हे नारायण। हे लक्ष्मीपति। हे गोविंद। हे सर्वेश्वर। आप लोगों की कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रैलोकीनाथ सृष्टि की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी सृष्टि को प्रलय आने से पहले ही एक महाप्रलय नष्ट कर देगी। ध्रुव ने जब से श्वास रोककर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया है, सारे संसार में वायु की गति रुक गई है, प्राणियों के दम घुट रहे हैं। प्रभु ध्रुव को रोकना मेरे वश में नहीं है भगवान, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप सृष्टि के रक्षक हैं, उसके पालनहार हैं। हम सब विनती करते हैं, आप ही ध्रुव की समस्या का कोई उपाय कीजिए प्रभु। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अब बात केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है। अब तो हमें जाना ही होगा अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए, और फिर किसी और की भांति हमें भी तो ध्रुव के प्राणों की चिंता है। देखो मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूँ।
तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताशी को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताशी की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताशी ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताशी की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ। People are like, when are you doing the next part for this? Because I had no idea. Oh, Lord Vishnu came and then he had him come. Remember, he wanted to know why he couldn't go on his. That's what got me crying the most. He was like, why did my father make me get off the father's lap? So what did Vishnu say? Come over on my lap.
like, I'm your father, come here out. And he's like, now I don't need any anymore. I have Lord Vishnu in my heart with me always. Everything's gonna be all right. Oh, that one was a powerful episode. That was. Now what's gonna happen? I don't even know what's gonna happen from here. The whole time we're on pins and needles watching this, making sure the little, oh, I can't wait till Mother Lakshmi sees it. Where's Mother? Is that the next? I hope she sees it. Oh, okay, all right. Let me know what y'all think. Comments, thumbs, all that, y'all. Until next time. Mwah.